आज कवर करने वाले हैं कान गणेश जी का मंदिर। कान गणेश जी का मंदिर कैसा है? बीकानेर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है कान गणेश जी, बहुत ही प्यारा मंदिर है। मेरा मोस्टली मैं यहीं आता हूँ, तो कान गणेश जी का मंदिर कैसा है अंदर से, उसके पास शिव मंदिर कैसा है, वो हम अब कवर करेंगे। तो आपने देखेंगे कि कैसा है अंदर से और उसके पास में क्या है, तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन का नंबर बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा कुछ भी ले लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यही है कान गणेश मंदिर, और इसके पास में जो गायों के लिए बनाया गया छोटा सा, तो हम अंदर से देख रहे हैं अभी अंदर से कैसा है हमारा कान गणेश मंदिर। जा रहे हैं हमारे कान गणेश जी। इस पार आ चुके हैं, और ये बहुत ही पुराना पिंपल का पेड़ है, बहुत पुराना। एंड जस्ट इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट इसके पीछे जो है आपको मैदान दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैदान जब बारिश का मौसम होता है तो पूरा भर जाता है। अभी तो लोग इसमें जो अपने खेल है वो कर रहे हैं, बट जो पानी का मैदान जो बारिश का अगर मौसम होता है तो पूरा पानी से भर जाता है पूरा। अभी मैं आपको वहाँ का कवर करूँगा,
शिव शंकर भगवान का मंदिर है, पर आप देख पा रहे हैं वो अभी कवर करते हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ, ये मम्मा ये रे, मम्मा सामने चल रहे हैं। चलेंगे शिव मंदिर जो सामने मैंने आपको बताया था, पिंडेश्वर महादेव जो गणेश कान गणेश के मंदिर के पास ही है। गणेश जी का पिता, मम्मी बोल रहे हैं गणेश जी के पिता, ये देखो मेरे मम्मा। यहाँ पे वाइट कबूतर पूरा बना हुआ है। ये हम जा रहे हैं। ये है मार्कंडेश्वर महादेव, जो अगर आप गणेश जी के कान गणेश के आते हो तो मोस्टली यहाँ पे आना होता है आपको। हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे भी शूज उतार लिए हमने, अब अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ। अभी तो मंदिर का ये मंदिर फेवरेट, ये है मार्कंडेश्वर महादेव, इसके अंदर आप नहीं जा सकते। पूरा मैंने आपके लिए कवर कर दिया, ये कहते हैं शिवलिंग के ऊपर मार्कंडेश्वर महादेव जी का है पूरा। शिवलिंग के अंदर अभिषेक या कुछ पूजा करना चाहते हो तो आपको पूरा अंदर जाना होगा, वो भी आप जींस पहन के नहीं जा सकते, इनकी वो अलग से होती है पोशाक, वो आपको पहन के अंदर जाना होता है। हाथ जोड़ सकते हैं इनको भी, जय हो भोलेनाथ। अभी कोई नहीं है मंदिर में, बट भीड़ काफी होती है यहाँ पे। यहाँ विश्राम वो इस मंदिर से आप गणेश मंदिर कान गणेश मंदिर देख सकते हैं, वो सामने जो अभी हमने जाके आए थे अंदर कान गणेश। इनकी मुख्य खासियत ये है कि इनके कान के अंदर बोला जाता है, अभी लॉकडाउन के कारण कान के अंदर नहीं बोल सकते। मंदिर के अंदर तो आप दर्शन कर सकते हो बट कान के वहाँ नहीं जा सकते, नहीं तो इनके कान के एक कान में क्या आना पड़ता है, जो आपकी विश होती है वो इनके कान में बोली जाती है। तो हम शिव मंदिर के पास का रिव्यू देख लेते हैं, और जो मैं आपको बता रहा था वाइट कबूतर वो इसमें अंदर है, अभी बाहर नहीं निकालते, मॉर्निंग में निकालते हैं। बहुत से क्यूट क्यूट इसमें वाइट कलर के कबूतर है। अब घर की ओर वापस जाएंगे हम, घर की ओर चलते हुए भैरवनाथ जी का मंदिर है, देख रहे हैं मम्मा का वैसे भी भैरवनाथ मंदिर। अब वापस घर की ओर रवाना, इस साइड से जा रहे हैं हम अब। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताना, पिंपल का ये पूरा मैदान है जो पानी के अंदर भर जाता है, अभी तो वैसे खाली है। उस साइड से जाते हैं हम, ये कान गणेश मंदिर, हम गणेश जी का और हमने वो शंकर भगवान का कवर कर ही लिया, तो अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। ये पूरी जो आप देख रहे हैं पूरा ये पूरा है गायों के लिए, जो मोस्टली यहाँ पे गायें, अभी तो यहाँ पे गायें कम है बट सुबह के टाइम बहुत सारी गायें हैं, क्योंकि यहाँ पे गौशाला भी है उसके अंदर गायें चली गई, अभी तो ज़्यादा नहीं है। हम वापस जा रहे हैं, वो खड़ी हमारी बाइक, हम जा रहे हैं घर की ओर रवाना। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग, तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और छोटा सा ब्लॉग था मोस्टली कान गणेश जी का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड पास में जो बेल आइकन दे रखा है तो उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।